बोट ने अपना नया नवेला स्मार्ट वॉच बोट वेब कॉल को लॉन्च कर दिया। इस स्मार्ट वॉच को मैंने अमेजन से बाय किया है, वो भी बहुत ही कम प्राइस के अंदर। अगर मैं इस स्मार्ट वॉच की फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में आता है। इसके साथ साथ इस स्मार्ट वॉच के अंदर 160 से ज्यादा वॉच फेसेस देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ स्मार्ट वॉच के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट मोड आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने इस स्मार्ट वॉच की पूरी डिटेल के साथ रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये स्मार्ट वॉच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं बॉक्स की बात करूं तो आपके सामने बॉक्स कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे मेड इन इंडिया का ब्रांड है, बाय एन इंडियन ब्रांड। तो जैसा कि सबको मालूम है कि ये स्मार्ट वॉच मेड इन इंडिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सारा का सारा चाइना में होता है। इसके साथ बॉक्स के ऊपर आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे वेब कॉल का फीचर्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ साइड में बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इस साइड में इस घड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइड में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगी। जैसा की 4.29 सेंटीमीटर की आपको HD डिस्प्ले के साथ में ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगा। क्लाउड एंड कस्टम बेस्ड वॉच फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगा। स्लीप मॉनिटर भी आपको देखने को मिलेगा। कॉल टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस का भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। IP68 डस्ट स्वेट एंड स्प्लैश रेसिस्टेंट भी आपको ये स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप इस स्मार्ट वॉच से कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो। कंपेटेबिलिटी की बात करूँ तो ये स्मार्ट वॉच एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए ही अवेलेबल है। ये डब्बा फटा इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि इस स्मार्ट वॉच को मैं यूज कर रहा हूँ करीब 7 दिन से, क्योंकि हमें टेस्ट करना रहता है। जब तक हम टेस्ट कम्प्लीट नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आप डब्बा खोलोगे तो डब्बा के अंदर आपको ये एक ऐसा बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके अंदर ही वॉच रखी हुई होती है। और इसके बाद जब आप डब्बे के अंदर से निकालोगे तो यहाँ पे बहुत सारी पोथी पत्रा देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे भी पोथी पत्रा है, यहाँ पे भी पोथी पत्रा है। भाई लोग से जब इन्वायरमेंट की बात की जाती है तो ये अपने आप को बोल बच्चन मार मार के पूरी दुनिया से बहुत ही अलग बना देते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो यहाँ पे आप देख लो इतने सारे कागज डालने की आपको क्या जरूरत है। अगर इतने सारे कागज को अगर आप सेव करके अगर कस्टमर को डिस्काउंट दे दो तो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। आपका कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आपका काम भी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा इनको नहीं करना है। ये देखो, इतना बड़ा लव लेटर तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं लिखा जाता था जितना भाई साहब आज लिख रहे हैं। क्या बोलने का भाई साहब को। खैर, हम इतनी ज्यादा बोल बच्चन नहीं मारेंगे, हम इसे साइड में रख देंगे और उसके बाद हम सीधा आएंगे स्मार्ट वॉच के ऊपर। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इस बॉक्स के अंदर आपको पोको पिन का चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक मैग्नेटिक चार्जर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है ये सिर्फ और सिर्फ इतनी है, आई थिंक ये आधे मीटर की है। इसके बाद दोस्तों वॉच हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब आप स्मार्ट वॉच को देखेंगे तो आपके सामने स्मार्ट वॉच कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूँ ना तो ये फुल मेटल का बना है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण भी दिखा देता हूँ। देखो, ये पूरा मेटल का बना है, तो इसीलिए कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि अगर गिर गया कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर इस साइड में गिरेगा और इस साइड में गिरेगा तो भाई चकनाचूर तो होना पक्का ही है। अगर मैं इसके रिस्ट की बात करूँ यानी पट्टे की बात करूँ तो ये सिलिकॉन फाइबर का बना है, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा मुलायम है। और जब आप इसे पहन के रखोगे तो यहाँ पे आपका जो बाल है ये मतलब उखड़ता नहीं है, यानी कि खुजलाहट भी आने लगती है। मैंने देखा है, इसके पहले मैंने एक नॉइस का मंगाया था, जो ये जो रिस्ट था ना प्लास्टिक का बना था, हार्ड प्लास्टिक का बना था। उस वजह से यहाँ पे दुखने लगता है, आप पहन के रखोगे ना तो यहाँ क्लाई आपके दुखने लगती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 7 दिन से करीब पहन के रखा हूँ तो मुझे कोई भी समस्या इसके अंदर नहीं आई है। इसके साथ साथ अगर मैं इस लॉक की बात करूँ तो ये भी एक फुल मेटल का बना है। और ये जो रिस्ट है ना ये रिप्लेसेबल है। यहाँ से आप ये जो पिन आप दिख रहा होगा ये पिन आप प्रेस कीजिए और इसे आप खींच लीजिए, मतलब ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। थोड़ा भौकाली लगेगा, मतलब कि भाई अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप 300 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करो और दूसरा मंगा के और ये रिप्लेस करके थोड़ा भौकाल जमा लो। सबके लिए नहीं है चीजें। उसके साथ अगर मैं पीछे की साइड में बात करूं तो यहाँ पे आपको पोको पिन चार्जर का पिन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इनका सेंसर दिया हुआ है और ये आपको माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ में ये स्मार्ट वॉच मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं डायल पिन की बात करूं तो ये जो पिन है यानी बटन है ये आप इसे रोटेट करोगे तो कोई काम नहीं करता है, बस ये ऑन या ऑफ मतलब ये स्विच की तरह से ही सिर्फ काम करता है। तो आप ये मत सोचना कि आईफोन की तरह जब आप इसे खिसकाओगे तो ये जो इसका डायल पिन है ये घूमता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर अगर मैं इस वॉच के डिस्प्ले की बात करूं ना तो इसके अंदर
7.69 इंच की ना HD डिस्प्ले के साथ में आता है भाई साहब। तो इसी वजह से इसकी जो ब्राइटनेस है ना ये काफी तगड़ी है, क्योंकि ये 550 निट की ब्राइटनेस के साथ में भी आता है। अगर आप इसे धूप में यूज करते हो यानी आउटडोर यूज करोगे ना, वहाँ पे भी इसकी विजिबिलिटी है वो काफी बढ़िया है। मैंने इसे खुद यूज किया है, ऐसा नहीं कि बगैर यूज के ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं डिस्प्ले की स्मूथनेस की बात करूँ तो आप देख लो, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी यार, कोई भी समस्या नहीं होगी भाई साहब। इतनी भी तेजी से आप चलाना चाहो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चला लोगे। डिस्प्ले को लेकर ना मुझे एक चीज बहुत ज्यादा खल रहा है, इसका नॉच देखो कितना बड़ा है भाई साहब, कितना ज्यादा बड़ा है। देखो ये बहुत ही गंदा दिखता है, बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करूं, ये स्मार्ट वॉच को जब आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड रखोगे और कॉल के लिए भी यूज करोगे तब ये आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप देता है, और अगर आप कॉल को डिसेबल करके रखते हो तो ये स्मार्ट वॉच आपको 1 हफ्ते से ज्यादा का बैटरी बैकअप देता है। मैंने इसे यूज किया है, बहुत ही अच्छे से यूज किया, तभी मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इस वॉच की मेनू की बात करूँ ना, तो आप ऊपर की साइड में स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा स्पोर्ट्स किया है, कितना कैलोरी बर्न किया है वगैरह वगैरह। इसके बाद जब आप ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपका हार्ट रेट दिख जाएगा, ठीक है, ये आपका हार्ट रेट बीप करेगा, मतलब ये मापेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे ना तो ये ऐसे सिंपल कहीं भी आप रख दो तो ये बीप नहीं करेगा, मतलब मापेगा नहीं आपका हार्ट जब तक आप प्रॉपर तरीके से अपने कलाई पे इसे नहीं पहनोगे, ठीक है। जैसा देखो मैंने इसे रख लिया और ये अच्छी तरीके से रीड करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद जैसे मैं निकालूंगा और ये बता देगा कि भैया अपने आप कलाई पे पहनो, ठीक है। इसके बाद ऊपर के साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितना सोया है, कितना जागा है, कितना लाइट सोया है, कितना डीप सोया है। इसके बाद ये आज का मौसम दिखा रहा है। इसके बाद ये आपका डायल पैड दिख जाएगा, यहाँ से आप इसे ऑफ कर दोगे तो आपका जो ब्लूटूथ है ये बंद हो जाएगा, मतलब आपके मोबाइल फोन से और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप इनेबल करोगे ये इनेबल हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट कॉल करना है, मतलब किसी नंबर पे कॉल करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली नंबर टाइप करके कॉल कर सकते हो अगर आपको याद होगा तो, अन्यथा आपको सेव करना पड़ेगा। और अगर आपने सेव करके रखा है तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वो नंबर दिख जाएगा। मैंने एक नंबर सेव किया था अपने फोन में तो यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे कॉल लॉग दिख जाएगा कि जितना भी आपने कॉल किया इसके साथ में, ये सारी चीजें आपको यहीं पे दिख जाएगी। इसके बाद अगर और ऊपर आप करोगे तो इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप प्ले एंड पॉज और चेंज वगैरह कर सकते हो, वॉल्यूम भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको राइट स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के जितने भी आते हैं यहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर इस साइड में करूंगा तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड हैं, देखो वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, योगा, पोगा, सोगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जो भी एक्टिविटी करना है आप इसके थ्रू आप आराम से कर सकते हो और वो आपको ट्रैक करता रहेगा। इसके बाद ये ब्रीथ है कि मतलब कितना आप सांस ले रहे हो वगैरह वगैरह। इसके बाद कैमरा है, तो इसे हम एप्लीकेशन में जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तब आपको वहाँ पे पूरी तरीके से डेमो भी दिखाएंगे। इसके बाद हार्ट रेट है, स्लीप है, SPO2 भी है, तो इसे भी आपको चेक करना है तो आसानी से चेक कर सकते हैं। इसमें स्टॉप वॉच भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड माई फोन है, मतलब इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो आपका फोन जो है ना वो बजना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, सेटिंग अगर आपको कुछ करना है तो सेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ से आप 6 वॉच फेस सेट कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीन टाइम है, मतलब ये आपका जो डिस्प्ले है ये कितने देर में बंद हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप घटा सकते हो। इसके बाद रेज टू वेकअप है, आपको पता ही होगा, अगर यहाँ से आप बंद कर दोगे तो आप ऐसे घड़ी घुमाओगे तो ये आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। इसके बाद इसको स्कैन करके आप मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी घड़ी को रीसेट कर सकते हो। इसके बाद जब आप ऊपर की तरफ से स्वाइप करोगे, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा तारीख, कौन सा दिन है, कितना समय, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लूटूथ का आइकन दिख जाएगा। अगर आपको इस तरीके से ब्लूटूथ का आइकन दिख रहा है, मतलब जो ब्लूटूथ है उसके बाद ग्रीन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वॉच है और आपका जो फोन है ये आपस में कनेक्टेड है, मतलब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी दिख जाएगा, इसके बाद इसका आज का टेम्परेचर दिख जाएगा, यहाँ से आपका जो रनिंग मोड है वगैरह वगैरह, जो स्पोर्ट्स मोड है वो दिख जाएगा। यहाँ से आप अपने ब्राइटनेस को कम ज्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से डू नॉट डिस्टर्ब लगा सकते हो। यहाँ से अगर आप इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे हट गया, और इसके ऊपर आप टैप करोगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। किसी किसी डिवाइस में थोड़ा पहले होता है, किसी किसी डिवाइस में थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, और इसके बाद इसका जो मतलब IP एड्रेस वगैरह समथिंग है जो भी दिया गया, इसके बाद ये सेटिंग
आता है। तो आपको मैंने सेटिंग के बारे में तो पूरा डिटेल के साथ बता ही दिया है। चलो अब इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक बार रीसेट कर दिया जाए। तो हम एक बार इसको रीसेट कर देते हैं। तो हमें रीसेट करने के लिए सेटिंग पे जाना होगा, रीसेट पे क्लिक करना होगा और इसे बस ओके कर देना है और ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होने के बाद ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद इसे आपको छोड़ देना है और उसके बाद आप प्ले स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डालना है बोट। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए बोट वेरिएबल डिवाइस। यहाँ पे देखो जैसे ये वाइब्रेशन आया तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पूरी तरीके से कंप्लीट रीसेट हो गया। और रीसेट होने के बाद इस तरीके से ऑन हो जाता है। जब ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, ये लगभग 69 MB का है, तो इसे आपको करना क्या है, बस इसे आपको ओपन कर देना है। ओपन पे क्लिक करोगे ना, ये काफी ज्यादा आपसे परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। टेक पिक्चर रिकॉर्ड वीडियो, इसके लिए भी परमिशन आपको दे देना है। उसके बाद आपसे लोकेशन मांग रहा है, ये भी दे देना है। इसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी मांग रहा है, ये भी दे देना है। फोन कॉल मांग रहा है, ये भी दे देना है। कॉन्टेक्ट को एक्सेस के लिए ये भी दे देना है। और बहुत सारे इसमें परमिशन है, एक एक करके आपको दे देंगे। वैसे कंपनी का दावा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये आप बेझिझक इसके साथ आप काम कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसके बाद आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बोट वेरिएबल का है और यहाँ पे आप जाके इसे अलाउ कर दीजिए। तो अलाउ करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। वैसे MI का मोबाइल है तो MI में इस तरीके से कुछ आता है। आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे डेंजर लिखा है कि भाई मैं उसको कैंसिल कर, हर एक एप्लीकेशन के साथ ही आता है। साले खुद ही डेंजर वाले हैं तो हम लोग को क्या बेवकूफ बनाएंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है और बैक पे आ जाना है। अब जैसे ही बैक पे आओगे ना तो आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा। तो मेरा जो वॉच है मैंने ऑलरेडी इसको रिसेट कर दिया है और मैंने किसी के साथ भी इसको कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं बस ओके गॉट इट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे स्मार्ट वॉच दिख जाएंगे। तो इसमें आप चूज कर लीजिए कि आपका जो स्मार्ट वॉच है कौन से मॉडल है। मेरा स्मार्ट वॉच है वेव कॉल, ठीक है। तो मुझे वेव कॉल पे क्लिक करना है। लेट सेटअप योर बोट स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो आपको सेटअप पे क्लिक कर देना है। बस आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है तो इसे आप पढ़ लीजिए कि भाई साहब आपका खेत बारी तो नहीं है लोग लिखवा रहे इसके बीच में लिख लिख के। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको अग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। फिर ये ब्लूटूथ जो है ना ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तो आपके पास जो वॉच रहेगी ना नियर बाई में बोट का ही रहेगा, वही यहाँ पे दिखेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास दूसरे कंपनी का स्मार्ट वॉच है तो वो दिखेगा, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको वेब कॉल पे क्लिक कीजिए और ये ऑटोमेटिक पेयर होना चालू हो जाएगा। ये देखिए ब्लूटूथ कनेक्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा समय लेता है, 2-4 सेकंड। और यहाँ पे लिखा है पेयर सक्सेस, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है काउंसिल योर डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ नॉर्मल सेटिंग है तो आपको यहाँ से सेटअप कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, मैं स्किप डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट योर जर्नी पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद ओके गॉट इट पे कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन का इंटरफेस है ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। ये होम सेक्शन है। इसके बाद अगर इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेटअप काउंट, कैलोरीज आपने कितना बर्न किया है, कितना कदम चला है आपने, हार्ट रेट आपका क्या है, ब्लड ऑक्सीजन क्या है, स्लीप आपने कितना सोया है। देखो स्लीप पे क्लिक करोगे तो डीप स्लीप, लाइट स्लीप, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक आप जान जाओगे। इसके बाद बैक आते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अगर आपने पूरे दिन में कोई भी एक्टिविटी किया होगा यानी कोई गेम खेला होगा तो यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद स्मार्ट वॉच पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहली बार ये सब हो रहा है तो आप ओके गॉट इट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो स्मार्ट वॉच है ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है और इसमें इतना दिन का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, इतने चार्जिंग। इसके बाद आपको दिख जाएगा वॉच फेसेस। तो अगर मैं वॉच फेसेस पे क्लिक करूं तो इसके अंदर आपको कुछ इतने वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट आता है, तो जैसा मुझे ये चाहिए तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये ऑटोमेटिक ऐसा हो गया। इसके बाद अगर ये वाला चाहिए तो ऐसा दिख जाएगा। इसके बाद अगर ये वाला चाहिए तो ऐसा दिख जाएगा। इस तरीके से मतलब कोई भी वॉच फेस आप चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 160 से ज्यादा वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस है। जैसे ही आप क्लाउड वॉच फेस पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे वॉच फेस दिख जाएंगे, बहुत ही सारे। उसके बाद जैसे ना मुझे ये वाली सेटअप करनी है, ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर क्या करना है, सिर्फ क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और मुझे थोड़ा सा वेट करना है। सेंडिंग क्लाउड वॉचेस टू डिवाइस इट मे टेक सम टाइम, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड लगता है क्योंकि ये इंटरनेट के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। देखो जो वॉच फेस था ना वो यहाँ पे सेट हो गया। इसी तरीके से 160 से ज्यादा वॉच
फेसेस किसी को भी सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो। इसके साथ साथ ना इसके अंदर एक और जबरदस्त चीज है कि इसके अंदर आप कस्टम वॉच फेस क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, क्रिएट कस्टम वॉच फेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। मुझे जैसे ये वाला चाहिए तो ये वाला किया मैंने और उसे डन कर दिया और ये ऑटोमेटिक सिंक होके कुछ इसी तरीके से ये हो जाएगा। देखो ये सेट हो गया, ठीक है। आपको ओके करना है और इसके ऊपर डन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरा फोटो लग जाए, उसके लिए आपको करना क्या है, अपलोड इमेज पे जाना है और टेक पिक्चर या चूज फ्रॉम गैलरी। आप गैलरी से भी चूज कर सकते हो और आप फोटो ले भी सकते हो। तो मैं यहाँ से ना एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक फोटो कैप्चर किया है और आपको करना क्या है, कैप्चर के बाद इसे ओके कर देना है। ओके के बाद यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसा आप इस इमेज को जूम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जूम करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो और इस तरीके से भी आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। डन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक इसके ऊपर सेट हो जाएगा हमारा फोटो। भाई साहब देखा आपने क्या गजब का फोटो आया यार। बस आपको यहाँ पे ओके कर देना और यहाँ पे देखो कस्टम वॉच फेस यहाँ पे डन कर दिया। तो भाई इसीलिए ना मैं इस घड़ी को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, सही बता रहा हूँ। ये घड़ी का दाम पता है आपको कितना है, सिर्फ 1500 रुपए में मैंने इसे बाय किया ऑनलाइन, 1500 रुपए में। आपको चेक करना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका डिस्काउंटेड लिंक दे दिया है, जाके चेक कर लेना। उसके बाद आप बैग जाते हैं। बैग जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग देखेंगे। अगर आप इस घड़ी के अंदर कोई कॉन्टेक्ट सेव करना चाहते हैं कि मैं यहीं से कॉल कर सकूं, तो यहाँ पे आपको सेव करना है, क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हो। तो मैं एक कर देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद डन कर देता हूँ, ठीक है। तो डन करने के बाद यहाँ से ना मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ इस बंदे को। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप 20 लोगों का नंबर सेव कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज, इनकमिंग कॉल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, इन सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप इसके ऊपर रिसीव कर पाएंगे। अगर अदर्स का चाहिए यानी थर्ड पार्टी जो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं उलूल जुलूल फिलूल के, तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हो। जैसे मुझे इनकमिंग कॉल इसके ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिसेबल कर दीजिए, इसके ऊपर इनकमिंग कॉल नहीं आएगा। अगर चाहिए तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, आता रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप अलार्म भी सेट कर सकते हो, सेट करना इजी है, आपको पता होगा। उसके बाद कैमरा, देखिए ये कैमरा है आपका आ गया, तो इस तरीके से आप सेल्फी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपका ये गुम हो गया, फिर आप अगर फाइंड डिवाइस करेंगे तो देखो काफी ज्यादा वाइब्रेशन है, मतलब बहुत ही अच्छा। देखो इसके ऊपर रख के करो, अच्छा खासा सुनाई दे देता है भाई। इसके बाद अलर्ट्स है, यहाँ पे कुछ ना आप अलर्ट भी इसके अंदर लगा सकते हो कि जैसे आप देख सकते हो कि इतने के बाद इतना, इतने के बाद इतना, मतलब कुछ चीजें आप अलर्ट के लिए सेट कर सकते हो। इसके बाद सेटिंग पे जाना है, तो सेटिंग पे वेग गेस्चर। वेग गेस्चर मतलब ये है दोस्तों कि ये जो स्मार्ट वॉच है अगर ऐसा रहेगा तो बंद रहेगा और ऐसा करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले जल जाएगा। ऐसा करोगे बंद हो जाएगा, ऐसा करोगे डिस्प्ले जल जाएगा, तो इसे बोलते हैं वेग गेस्चर। तो इसे इनेबल ही रहने देना, नहीं तो घड़ी देखने के लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको 24 घंटे वाली चाहिए टाइम, तो आप 24 घंटे वाली कर सकते हो। देखो 20:54, ठीक है, इसे अब बंद कर देता हूँ, 8:54। आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जो हार्ट रेट है ये ऑटोमेटिक रीड करता रहे तो आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। ऐसे केसेस में दोस्तों इसका जो बैटरी है ये काफी ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब के लिए भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप किस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बंदा बंदी डिस्टर्ब ना करे, तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद परमिशन भी आप देख सकते हैं, आपको भी पता होगा कितने सारे परमिशन हमने पहले से दिया है। इसके बाद यहाँ से आपका प्रोफाइल लेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से अपना फोटो भी सेट कर सकते हो, कुछ भी यहाँ से, मतलब बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वॉच के अंदर जितने भी फीचर्स थे हमने वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप दोस्तों ये चीज आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक घड़ी को सेटअप करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की कि क्या आपको ये वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बजट 1500 रुपए तक के है तो आप इसे जाके ले लो, क्योंकि इसके अंदर HD भी डिस्प्ले आती है, बहुत सारे ये और फीचर्स के साथ में आती है, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में आती है, इसके अंदर 160 से ज्यादा वॉच फेसेस देखने को मिलती है, कस्टम आप इसके अंदर वॉच फेस लगा सकते हो। और अगर आपका मेन प्रायोरिटी ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं है तब आप इसे बाय कर लेना। अगर ब्लूटूथ कॉलिंग है तो इसे बाय मत करना, क्योंकि जब आप ब्लूटूथ कॉलिंग को इनेबल करके रखते हो तब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की ही बैटरी बैकअप इसमें मिलती है, और अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग को डिसेबल करके रखते हो तो ये 10 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। वैसे इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में बाय किया है, 1 रुपया कम था। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके वहां से चेक कर लेना। आई होप इससे भी कम रेट में आपको मिल जाए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।